हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर, आज आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आरटीएलटी कला से संबंधित साथियों नेक्स्ट वीडियो लेके उपस्थित हूँ, जिसमें एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से 2022 के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा आपके लिए। साथियों, वीडियो अच्छा लगे मित्रों तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा प्रदान किया गया वीडियो उनको मिलता रहे और वो फ्री क्लासेज का लाभ उठा सके। साथियों, शेयर इसलिए करिए जो आपके दोस्त सगे संबंधी मित्र यार हैं टीजीटी पीजीटी आरटीएलटी की तैयारी कला से कर रहे साथियों, तो उनके पास भी वीडियो को भेजिए और वो भी इस फ्री क्लास का लाभ उठा सके। साथियों, तो चलते हैं मित्रों। जैसे कि स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहला प्रश्न, यश बालचंद्रन किसके लिए प्रसिद्ध है? ना कह रहा है कि यश बालचंद्रन किसके लिए प्रसिद्ध हैं साथियों? तो चार ऑप्शन, चित्रकला के लिए, सारंगी के लिए, वीड़ा के लिए या म्यूरल के लिए। यानी कि यश बालचंद्रन जो थे वो क्या काम करते थे, किसके लिए उनको प्रसिद्धि मिली, क्या जाने जाते थे? चित्रकारी करते थे या सारंगी वादक थे या वीड़ा वादक थे या म्यूरल चित्रकारी करते थे? तो क्या करते थे यश बालचंद्रन? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा साथियों, यश बालचंद्रन जो थे एक वीड़ा वादक थे। क्या थे साथियों? वीड़ा वादक थे। तो इस बात को भी आप ध्यान रखना है आपको कि आप लोग जैसे सोचेंगे कि कला का पेपर है तो इसमें क्यों कि ये सब वाद्य वाद्य से संबंधित क्यों प्रश्न पूछा है, तो याद ध्यान रखना है साथियों कि इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं नृत्य से, वाद्य से, तो इस प्रकार से भी प्रश्न टीजीटी पीजीटी एलटी में पूछे जाते हैं आर्ट के साथियों। न अगर देखा जाए तो यश बालचंद्रन जो बीड़ा वादक थे, इसके अलावा और वो क्या के साथियों? तो फिल्म निर्माणकर्ता भी थे। यश बालचंद्र जो थे फिल्म निर्माणकर्ता थे, निर्देशक भी थे और संगीतज्ञ भी थे। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला है आपका, रिनी घुमाल प्रख्यात हैं। कहा जा रहा है कि रिनी जो घुमाल थे किसके लिए प्रख्यात हैं, किसके लिए जाने जाते हैं? पेंटिंग के लिए, मूर्ति के लिए, संस्थापना कला के लिए या न्यू मीडिया आर्ट के लिए? तो रिनी घुमाल का संबंध किसके, किससे ये प्रख्यात हैं, किसके लिए जाने जाते हैं? न तो रिनी घुमाल जो थे साथियों ये पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। तो इनको जो प्रसिद्धि या प्रख्यात जिसके लिए थे पेंटिंग के लिए थे। किसके लिए थे मित्रों? पेंटिंग के लिए। इनका जो जन्म था साथियों, रिनी घुमाल का जो जन्म था, इनका जो जन्म है 1948 में। कब हुआ था साथियों इनका जन्म? 1948 को बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था मित्रों? बंगाल में हुआ था। इन्हें 1988 में ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। कब मिला है? 1988 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का पुरस्कार भी मिला था। और इसी के साथ साथ 1988 में ऑल इंडिया फाइन आर्ट का भी पुरस्कार इनको मिल चुका है रिनी घुमाल को। तो ये कला के लिए, पेंटिंग के लिए जाने जाते थे। अगला है, विवेकानंद रॉक टेंपल कहाँ है? कारक, विवेकानंद जो रॉक टेंपल है ये कहाँ है? रामेश्वरम में है, कोलकाता में है, चंडीगढ़ में है या कन्याकुमारी में है? तो कहाँ है विवेक रॉक टेंपल साथियों? तो विवेक रॉक टेंपल जो है आपका है साथियों, ये आपका पड़ेगा चारों ऑप्शनों में से जो राइट आंसर होगा कन्याकुमारी में। कहाँ पड़ेगा साथियों? कन्याकुमारी में है विवेक रॉक टेंपल, न यह कन्याकुमारी में स्थित है न। ये जो है साथियों एक समुद्र के अंदर जो एक टापू पर स्थित है, ये विवेकानंद जो रॉक टेंपल है समुद्र के अंदर एक टापू पर स्थित है। और ये कन्याकुमारी कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु के क्षेत्र में न। अगर देखा जाए तो 1892 में मित्रों, 1892 में स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी आए और इसी शिला पर बैठकर उन्होंने ध्यान लगाया था साथियों। अगले प्रश्न पर चलते हैं, मोबाइल टाइप का आविष्कार कब हुआ? न इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मोबाइल टाइप का आविष्कार कब हुआ साथियों? तो 2022 के लिए ध्यान देने हैं आप लोगों को, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो 1458 AD में,
1480 एडी में, 1550 एडी में या 1560 एडी में मोबाइल टाइप का आविष्कार कब हुआ था ना? तो देखा जाए साथियों, तो इस चारों ऑप्शन में जो आपका राइट आंसर है इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो ये मोबाइल टाइप का जो आविष्कार हुआ था मित्रों 1045 में, कब हुआ था? 1045 में, 1045 से लेके 1058, कितना? 1058, 58 ना, 58 में क्या हुआ था साथियों? मोबाइल का आविष्कार हुआ था, मोबाइल टाइप का। इसे चित्रकला पराक्रम भी कहा जा सकता है साथियों। यह जो था आविष्कार, एक चीनी व्यक्ति बाइसिंग के द्वारा चीन में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था मोबाइल टाइप का आविष्कार साथियों? एक चीनी व्यक्ति थे जिनका नाम था बाइसिंग, और चीन में ही किए थे। कब? 1045 से लेकर 1058 में। अगला है आपका, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है ना? देखिए इस तरह से प्रश्न पीजीटी के लिए पूछा जाता है, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? यह प्रश्न जो था 2013 में लगभग पूछा गया था साथियों। तो रूपिका चावला है, कल्पना चावला है, दीपिका चावला है, या इनमें से कोई नहीं है? तो यह जो प्रश्न था साथियों 2013 में पूछा गया था, तो कल्पना चावला हैं जो भारतीय प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, कल्पना चावला जी ना। कल्पना चावला के विषय में थोड़ा जानते हैं, इनका जो जन्म हुआ था 1 जुलाई, जन्म कब हुआ था साथियों? 1 जुलाई 1961 में, कब हुआ था? 1 जुलाई 1961 में, 1961 में, हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी 1 फरवरी, जन्म तो 1 जुलाई 1961 हो जाता है, अब मृत्यु जो हुई थी 1 फरवरी 2003 को हुई थी। इनकी जो मृत्यु थी साथियों वह था 1 फरवरी 2003 में। कहाँ हुआ था? कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना में हुई थी ना, कोलंबिया में से जो अंतरिक्ष यान की दुर्घटना थी उसी में हुआ था। तो एक प्रकार से कोलंबिया आप जान लेंगे ना। 1994 में कल्पना चावला नासा में नियुक्त हुई थी। कहाँ भैया? नासा में 1994 में इनकी नियुक्त हुई थी। अगला है, पृथ्वीराज कपूर क्या थे? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पृथ्वीराज कपूर क्या थे? नेता थे, व्यापारी थे, आर्किटेक्ट थे, या अभिनेता थे? पृथ्वीराज कपूर क्या थे? तो पृथ्वीराज कपूर से संबंधित प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2013 में मित्र यहाँ पूछा जा चुका है। ये इस प्रकार से भी प्रश्न पीजीटी टीजीटी पूछे जाते हैं। तो ये एक अभिनेता थे। क्या थे साथियों? अभिनेता थे। इनका जन्म 3 नवम्बर 1906 को पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था साथियों? 3 नवंबर 1906 को पंजाब में हुआ था पृथ्वीराज कपूर का जन्म ना। ये अभिनय की दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पृथ्वीराज को जाना जाता है। अब मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी इनको मिला है। कब? 1972 में ना, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला है 1972 में, 1972 में मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार ना। 1944 में हिंदी फिल्मों के निर्माण के लिए मुंबई में पृथ्वीराज ने एक थिएटर का स्थापना भी किया था साथियों। अगले प्रश्न पर चलते हैं, मारियो मिरांड हैं, मारियो मिरांड हैं, तो मारियो मिरांड हैं क्या? कार्टूनिस्ट हैं, फोटोग्राफर हैं, डिजाइनर हैं, टाइपोग्राफिस्ट हैं? तो मारियो मिरांड साथियों क्या हैं? तो चारों ऑप्शन में से देखिए, मारियो मिरांड का जो संबंध साथियों कार्टूनिस्ट से था। किससे था? कार्टूनिस्ट, ये कार्टून बनाते थे, कार्टून चित्रकारी करते थे। इनका जो जन्म हुआ था 1926 में गोवा में हुआ था। इनका जो जन्म था मारियो मिरांड का 1926 गोवा में। कहाँ हुआ था साथियों? गोवा में, 1926 को गोवा में। मृत्यु 2011 में हुआ था। इनका जो मृत्यु था वो क्या था? 2011 में हुआ था इनकी मृत्यु। अगले प्रश्न पर चलते हैं, राघव कनेरिया को किस रूप में जाना जाता है?
तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न साथी, राघव कनौरिया को किस रूप में जाना जाता है? फोटोग्राफर के रूप में, ग्राफिक आर्टिस्ट के रूप में, या मूर्तिकार के रूप में, या चित्रकार के रूप में? ना, तो राघव कनौरिया को किस रूप में जाना जाता है? तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। कभी कभी ना प्रश्न को घुमाते भी हैं साथियों। तो यहाँ देखिए, राघव कनौरिया का जो संबंध था ये मूर्तिकार के रूप में था। तो कभी कभी ऐसे पूछ लेगा, जैसे चार लोगों को नाम देगा राघव कनौरिया, तो उसमें से पूछ लेगा कि इसमें से कौन मूर्तिकार हैं। तो राघव कनौरिया जी क्या थे? एक मूर्तिकार थे। राघव कनौरिया जो थे साथियों, इनका जो जन्म हुआ था 1936 को गुजरात में हुआ था। 1936 में कहाँ हुआ था? गुजरात में। इसको 9 बना दे, इसको 1। 1936 को गुजरात में हुआ था। इन्हें कला के क्षेत्र में योगदान देने के लिए ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है साथियों। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डिफनी के मूर्तिकार कौन थे? कह रहा है कि प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प जो है अपोलो एंड डिफनी, ये मूर्ति शिल्प है, इस चीज़ को ध्यान देना है। मूर्ति का नाम क्या है? अपोलो एंड डिफनी है। क्या है? अपोलो एंड डिफनी के मूर्तिकार को पूछ रहा है कि कौन इसको बनाए थे। बर्निनी, डोनाटेलो, मैसेचियो या पाओलो उचेल्लो, तो कौन थे इसको बनाने वाले साथियों, मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डिफनी के कलाकार? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, सबसे जो बेस्ट आंसर आपका होगा साथियों, बर्निनी। क्या हो जाएगा? बर्निनी जो चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, वो अपोलो एंड डिफनी का निर्माण किए थे ना? एक मूर्ति शिल्प है साथियों, ये जो बर्निन में है, इनका जो जन्म हुआ था बर्निनी का 12 दिसंबर 1598 में हुआ था इटली में। कब हुआ था? 1598 इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में। अगला है, इनका जो मृत्यु आप देखेंगे बर्निनी का, 28 नवंबर 1680 को हुआ था मृत्यु इनका 1680 में। जूट माध्यम से मूर्ति कला के प्रयोग कौन करता था? कह रहा है कि जूट माध्यम से, माध्यम कौन है? जूट माध्यम मूर्तियां बनाते थे। अब इसका प्रयोग जूट माध्यम से मूर्तियां बनाने का काम कौन करते थे? मृणाली मुखर्जी, मीरा मुखर्जी, गोगी सरोजपाल या अंजलि इला मेनन? तो यहाँ चारों ऑप्शन जो है बहुत अच्छे ऑप्शन दिए गए, प्रश्न भी बहुत अच्छा है, बार बार पूछा जाता है साथियों। तो कह रहा है कि जूट माध्यम से, 2013 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, जूट माध्यम से मूर्ति कला का प्रयोग कौन करते थे? तो यहाँ पे जो आपके मृणालिनी मुखर्जी जी हैं, ये जूट तथा रस्सी के माध्यम से ही मूर्तियों को बनाते थे। जूट, सुतली, रस्सी के माध्यम से ना। इनका जो जन्म था साथियों 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में। क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहाँ? मुंबई में। ये विनोद बिहारी एक कलाकार थे। कहा जाता है कि जो विनोद बिहारी थे एक कलाकार थे, और ये मृणालिनी मुखर्जी जी के क्या थे? पिता थे। विनोद बिहारी जो थे मृणालिनी मुखर्जी जी के क्या थे? पिता थे। और ये भी एक क्या? कलाकार थे। मृणालिनी मुखर्जी भी कलाकार थे, इनके पिता विनोद बिहारी जी भी कलाकार थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला है, कन्हेरी गुफा कहाँ है? कन्हेरी गुफा कहाँ है? ना, मद्रास में, मुंबई में, त्रिवेंद्रम में या भुवनेश्वर में? तो कन्हेरी गुफा आपका जो पड़ता है साथियों, कहाँ पड़ता है? मुंबई में पड़ता है, मुंबई के बोरीवली में। कहाँ पड़ता है? कन्हेरी गुफा जो है ये मुंबई के बोरीवली में पड़ता है साथियों, जहाँ संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है साथियों? यहीं पर ही संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, यहीं पर कन्हेरी गुफा है। कन्हेरी गुफा जो है बोरीवली, मुंबई के बोरीवली में है। एक क्या है? ये बौद्ध गुफा है। क्या है साथियों? एक बौद्ध गुफा है। अगला है, कला समीक्षक से कौन संबंधित है? कला समीक्षा के रूप में किसे जाना जाता है या कौन संबंधित है? के एस कुलकर्णी जी, रामेश्वर भूटा, रतन परमेउ, हिम्मत शाह?
तो इसमें से कला समीक्षक कौन है? तो इसमें जो आपके कला समीक्षक के साथी हैं वो रतन परमु जी हैं। कौन है साथी हैं? रतन परमु जी। तो इसलिए आपका जो है राइट आंसर होगा सी होगा ना। यह क्या थे? कला समीक्षक थे और कला अध्यापक भी थे। रतन परमु कला समीक्षक और कला अध्यापक थे और इतिहासकार भी थे साथियों। क्या थे? इतिहासकार भी थे, कला अध्यापक थे और कला समीक्षक भी थे। ऑस्ट्रेलिया से आयोजित कला शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी से ये पुरस्कारित भी किए जा चुके हैं। अगला है आपका निमातनामा नामक पांडुलिपि। क्या कह रहा है? निमातनामा क्या है? एक पांडुलिपि है। किस विषय से संबंधित है? कह रहे हैं कि निमातनामा जो पांडुलिपि है किस विषय से संबंधित? प्रेम दृश्य से, युद्ध दृश्य से, पाक कला संबंधी वस्तुओं से, दरबारी दृश्य से। तो निमातनामा का संबंध किस से है साथियों? तो इसका जो निमातनामा का संबंध है साथियों पाक कला संबंधी वस्तुओं से है। तो यहाँ सी वाला आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ना। ये जो निमातनामा पाक कला संबंधी जो वस्तु है यह जो पांडुलिपि थी साथियों यह गयासुद्दीन खिलजी के काल में लिखा गया था। कब लिखा गया था साथियों? गयासुद्दीन खिलजी के समय में यह लिखा गया। गयासुद्दीन खिलजी के समय में यह लिखा गया था निमातनामा। यह पांडुलिपि इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में संग्रहित है। कहाँ है? इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में संग्रहित है। इसका कार्ड दे वही कार्ड है ऋतिक रहन ने कहा दारू पिया था। अगला प्रश्न मित्रों निम्न कथन किसका है? देखिए कथन है, ये किसका है पूछ रहा है। तो कलाकार, देखिए कथन पहले देखिए कथन क्या है। कलाकार कोई विशेष प्रकार का मनुष्य नहीं होता। कलाकार जो है कोई विशेष प्रकार का मनुष्य नहीं होता है बल्कि हर मनुष्य एक विशेष प्रकार का कलाकार होता है ना। क्या कह रहा है कि बल्कि हर मनुष्य एक विशेष प्रकार का क्या होता है? कलाकार होता है। तो यह कथन किसका है, किसने कहा था? आनंद कुमार स्वामी का है, असित कुमार हल्धर का है, वासुदेव शरण अग्रवाल का है या राय कृष्ण दास का? तो यह कथन किसका है? तो इम्पोर्टेंट कथन है साथियों जो थर्ड है, तो किसका है? यह आनंद कुमार स्वामी का है। किसका साथियों? आनंद कुमार स्वामी जी। इस यह कथन जो है आनंद कुमार स्वामी जी का है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध कलाकृति चक्का फेंकने, प्रसिद्ध कलाकृति चक्का फेंकने वाले का कलाकार कौन है? मतलब प्रसिद्ध जो चक्का फेंकने वाला कलाकार कौन है? पॉलिक्लिट्स, रूबेंस, राफेल या मायरन? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है अपने आप में साथियों चक्का फेंकने वाला। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में जो आपका चक्का फेंकने वाले का जो कलाकार है आपका वो मायरन क्या हो जाएगा? मायरन जी थे। अगला है वाल्ट डिज्नी जनक है। वाल्ट डिज्नी जो है किसके जनक है? तो वाल्ट डिज्नी स्टिल फोटोग्राफी के, एनिमेशन प्रक्रिया के, वीडियो फिल्मिंग के, ब्लॉक मेकिंग के। तो वाल्ट डिज्नी जनक किसके हैं साथियों? तो चारों ऑप्शन जो आपका होगा एनिमेशन प्रक्रिया के जनक हैं वाल्ट डिज्नी जी। तो आपका जो राइट आंसर होगा बी वाला बिल्कुल राइट आपका आंसर सही है। तो वाल्ट डिज्नी को एनिमेशन प्रक्रिया का जनक माना जाता है। अगला है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अध्यक्ष की बात पूछ रहा है। राष्ट्रीय कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अशोक वाजपेयी, प्रोफेसर शंकर चौधरी, आनंद देव, राम निवास मिर्धा कौन है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के अध्यक्ष, तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के जो अध्यक्ष हैं साथियों वो हैं आपके
डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी। तो ए वाला आंसर यहाँ पे जो है आपको बिल्कुल करेक्ट है साथियों। ना ये राष्ट्रीय ललित कला जो है अकादमी जो है साथी एक क्या है स्वायत्त संस्था है। क्या है? स्वायत्त संस्था है जो भारत देश के आज़ाद होने के बाद इसका स्थापना किया गया था, जो 5 अगस्त 1954 को भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। कब? 5 अगस्त 1954 को इस संस्था की स्थापना की गई थी राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के साथियों। ना यह एक केंद्रीय संगठन भी है साथियों। इसका जो मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। अगला है आपका प्रश्न, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ना ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? अभी तो राष्ट्रीय ललित कला था, अब यहाँ प्रश्न पूछे ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुआ था। तो ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुआ था साथियों? तो 1955 में, 1954 में, 1970 में या 1972 में? तो ललित कला स्थापना जो हुआ था साथियों 1954 में हुआ था। ऊपर भी हमने अभी इसका व्याख्या किया था। अंतिम और आज आखिरी लास्ट क्वेश्चन है साथियों, गढ़ी कला केंद्र संबंधित है, गढ़ी कला केंद्र संबंधित है भारत कला भवन से, भारत भवन से, सांस्कृतिक केंद्र से, ललित कला अकादमी से। तो गढ़ी कला केंद्र संबंधित किससे है साथियों? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, गढ़ी कला केंद्र जो है ललित कला अकादमी से ही इसका संबंध है साथियों। तो यहाँ पे डी वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये रहे आज के आखिरी और लास्ट क्वेश्चन। जब तक नेक्स्ट मुलाकात होती है साथियों, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और आप लोगों का जो कमेंट होता है, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट होता है, वो बहुत ही अच्छे और खूबसूरत होते हैं साथियों, जिससे हम लोग मोटिवेट होते हैं। तो चलते हैं साथियों, धन्यवाद।